मुगलई चिकन जनरली हांडी में बनता है, पर हमारी हांडी थोड़ी छोटी थी, हमने पैन में बनाया इसे, पर काफ़ी हैवी बॉटम्ड पैन में, जैसे हांडी में बनता है वैसे ही बना और उतना ही टाइम लगा। तो इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हमने इसे कैसे बनाया, फटाफट से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबा दीजिए और थम्सअप भी दीजिए। तो चलिए बताएं हमने कैसे बनाया इसको। मुगलाई चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 किलो चिकन लिया है, जो कि बोन इन और बोनलेस दोनों मिक्स है। इसको हम नमक और काली मिर्च से सबसे पहले मैरिनेट कर देंगे, क्योंकि ये 1.5 किलो चिकन है तो उसी हिसाब से हम इसको नमक डाल रहे हैं। और अब डालेंगे काली मिर्च। क्योंकि बच्चों ने भी खाना है इसीलिए हम थोड़ा सा कम काली मिर्च डाल रहे हैं, बट एक्चुअली इतने सारे चिकन में आप 2 टीस्पून आराम से भर के काली मिर्च डाल सकते हैं, 2 से 2.5 टीस्पून। इसको मिक्स करके हम ओवरनाइट फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर देंगे मैरिनेट करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप कम से कम 1 घंटा ज़रूर उसको मैरिनेट करके रखिए। हमने इसे कल बनाना है तो हम अभी ओवरनाइट ही इसको मैरिनेट करके रख रहे हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया तो इसको अब हम ढक के फ्रिज में रख देंगे और फिर कल इसे बनाएंगे, तब आपको सारी प्रोसीजर बताएंगे। चिकन देखिए मैरिनेट हो चुका है ओवरनाइट, और मैं आपको बाकी सामान भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जिंजर जूलियंस हैं, हरी मिर्च है और बारीक कटा हुआ धनिया है जो बाद में डलेगा। 200 ग्राम मेरे पास दही है, 200 से 250 ग्राम के बीच में। यहाँ से 12 से 15 काजू का पेस्ट बना रखा है। 200 ग्राम टमेटो प्यूरी है, देसी घी लगेगा 1.5 से 2 टेबल स्पून। 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको हमने तल के और पीस लिया है, तो ये इतने ही रह गए हैं। 2.5 से 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टेबल स्पून हमारे पास जीरा पाउडर है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर है मेरे पास गरम मसाला 1 टेबल स्पून, इनफैक्ट ये 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला है। और हल्दी पाउडर है मेरे पास 3/4 टीस्पून यानी कि चम्मच। यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 करछी के जितना मस्टर्ड ऑयल हीट ऑलरेडी करके फिर बंद कर दिया था, तो अब हम दोबारा से इसको जला रहे हैं, हल्का सा गर्म होते ही बनाना शुरू करेंगे। ऑयल देखिए दोबारा से हीट अप हो गया, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप चाहें तो आप पिसा हुआ प्याज भी यूज कर सकते हैं विदाउट डीप फ्राइंग, तब आपको प्याज सबसे पहले डालना पड़ेगा। थर्टी सेकेंड्स तक भूनेंगे इसको ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए, 30 से 45 सेकेंड। अब इसमें डाल रहे हैं हम प्याज जो हमने तल के रखा था। क्योंकि ये प्याज ऑलरेडी तला हुआ है तो इसको टाइम नहीं लगेगा, बस मिक्स करना है खाली, और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। लीजिए मैरिनेटेड पीसेस डालने शुरू कर दिए हमने इसमें, और इसको तकरीबन 5 मिनट तक थोड़े कम सेक पर भूनेंगे ताकि ये मसाला अच्छे से कोट हो जाए। सारे देखिए चिकन पीसेस डल गए, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि सारा मसाला इसमें कोट हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा 5 मिनट तक हम इसको इसी तरह से भूनेंगे इस मसाले के अंदर ही। लीजिए ये अच्छे से कोट भी हो गए, और अब हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा भूनने का इसका 5 मिनट।
पाँच से छः मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें डाल रहे हैं टमेटो प्यूरी। टमेटो प्यूरी के साथ साथ ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक जब डालेंगे तो याद रखिएगा कि आपने चिकन मैरिनेट करने के लिए भी डाला था, तो उस हिसाब से डालिए अपने टेस्ट के हिसाब से। डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। हल्दी, और ये गई अंदर हल्दी। अब इसको मिक्स कर देंगे। गरम मसाला हम लास्ट में डालेंगे। अब इसको भूनने देंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता। फिर उसके बाद हम डालेंगे कैजू पेस्ट और दही। ऑयल सेपरेट होने लग गया, अब हम इसमें डाल रहे हैं दही। दही मिक्स करके फिर हम डालेंगे कैजू पेस्ट। अब डाल रहे हैं कैजू पेस्ट। कलर देखिए कितना अच्छा आया है इसका। थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लेंगे दही और कैजू पेस्ट। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च और डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से पानी। आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको ग्रेवी खानी हो। राइस के साथ थोड़ा ज़्यादा लगेगा, रोटी या नान के साथ खाएंगे तो थोड़ा कम लगेगा, तो आप उस हिसाब से ग्रेवी करिएगा। पानी डाल दिया हमने इसमें और देखिए हल्का हल्का बॉईल भी आने लगा। तो अब हम इसको ढककर मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, जब तक चिकन पूरी तरह से कुक नहीं हो जाता। तो अब हम आपको इसको दिखाएंगे जब ये कुक हो जाएगा तब। देखिए 15 से 17 मिनट हो गए हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी ही है। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं धनिया, जिंजर जूलियंस और घी। गरम मसाला भी अभी डालेंगे। जिंजर जूलियंस और धनिया डाल दिया, अब हम डाल रहे हैं गरम मसाला। और ये गया घी। सब मिक्स करके हमने इसे ढक दिया है। सिर्फ 5 मिनट और पकाएंगे क्योंकि उतना ही रह गया है, और फिर आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। मुगलई चिकन रेडी है। हमने इसको मलाई और धनिए के साथ गार्निश कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा बच्चों के लिए बना रहे थे इसलिए हमने हरी मिर्च नहीं डाली, नहीं तो आप बारीक कटी हरी मिर्च भी गार्निश के लिए डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ या फिर राइस के साथ, जिसके साथ मर्जी परोसिए, हर एक के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो मिलते हैं अब किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। Thank you for watching. Bye-bye.